पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से संदेश खाली की दूरी सिर्फ 75 किलोमीटर है। इतने नजदीक से भी वहां की महिलाओं की चित्कार शायद बंगाल के हुक्मरानों के कान तक नहीं पहुंच पा रही। उन महिलाओं के साथ गुनाहों का आरोपी शाहजहां शेख के घर अगर ईडी का छापा नहीं पड़ा होता तो यह अत्याचार ढका छुपा रह गया होता। तब बात खुली है तो महिलाओं का दर्द सुनकर आप सिहर उठेंगे। एक हफ्ते के अंदर बात ऐसी बिगड़ी कि जिस संदेश खाली को पश्चिम बंगाल के लोग भी ठीक से नहीं जानते थे, आज सारी सड़कें उसी जगह पर जा रही हैं। ठीक लोकसभा चुनावों से पहले अगर संदेश खाली बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी युद्ध का नया कुरुक्षेत्र बन गई है तो इसके पीछे वहां होने वाली मानवीय यातनाएं हैं। अवश्य ये सब घटना घटेगी ना, ये सब जरूर हुआ होगा, वरना महिलाएं ऐसी बातें क्यों करती? आप खुद पड़ताल कीजिए, महिलाएं खुद सड़कों पर क्यों आएंगी? आज महिलाएं और बेटियां सड़कों पर आ रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। क्या वो झूठ बोल रही हैं? उनकी बातों में जरूर सच्चाई होगी। वो महिलाओं को मीटिंग या रैलियों के लिए बुलाते हैं, दिन या रात कभी भी बुला लेते हैं। जब भी बुलाते हैं हमें जाना पड़ता है, अगर हम नहीं जाते तो हमें धमकियां मिलती हैं। इस सारे घटनाक्रम की शुरुआत इसी साल 5 जनवरी को हुई जब ईडी की टीम राशन घोटाला मामले में जांच करने संदेश खाली पहुंची। वहां उसने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा, लेकिन वहां उल्टे ईडी की टीम पर हमला किया गया जिसमें कुछ अधिकारियों को चोट आने की भी खबर आई, फिर उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा। देखिए, शेख शाहजहां की भाई, तीनों भाई वहाँ पे जमींदारी चलाते थे, वहाँ के बादशाहत चलाते थे और लोगों के ऊपर इतना अत्याचार आप सोच भी नहीं सकते। महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके साथ कितने सारे मोलेस्टेशन की घटनाएं घटी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। बोलने से पार्टी ऑफिस में बुला के उनको मारना पीटना, और मारना पीटना मतलब कोई नॉर्मल एक दो थप्पड़ मार दिया ऐसा नहीं, अमानवीय तरीके से मारना पीटना, ऐसी व्यवस्था वहां पे तैयार करके रखी है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। पत्थरबाजी का आरोप शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा, इसलिए जब प्रशासनिक दबिश बढ़ी तो शाहजहां फरार हो गया। दूसरी तरफ बचा तो ईडी का समन पर समन और राशन घोटाले से आगे महिलाओं के सम्मान का सवाल। ये मामला उतना तूल नहीं पकड़ता, लेकिन 8 फरवरी को संदेश खाली की स्थानीय महिलाएं शाहजहां शेख के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। उन महिलाओं का दर्द जब बाद में बाहर आया तो उसमें जोर जबरदस्ती थी, जबरन बेगारी थी और इन सबसे बढ़कर यौन उत्पीड़न जैसा संगीन आरोप था। संदेश खाली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ट हैं, महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं, जो रेप भी हो, और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। संदेश खाली की महिलाओं की यातना का बांध जब टूट गया तो वो लगातार शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर हमलावर होती गई। इसमें 3 अहम आरोपी हैं, जिनमें पहला शाहजहां शेख है, दूसरा आरोपी शिबू हाजरा है जो शाहजहां शेख का सबसे करीबी माना जाता है, और तीसरा आरोपी उत्तम सरदार है। इस पूरे मामले पर सबकी नजरें तब गईं जब 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शिबू हाजरा के 3 पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये फार्म ग्रामीणों से जबरदस्ती छीनी गई जमीन पर बनाए गए थे। महिलाओं का गुस्सा और घृणा उनके इन आरोपों में झलकता है कि शाहजहां शेख और उसके गुर्गे रात में जबरन उठा ले जाते थे और सुबह छोड़ जाया करते थे। रात में ही मीटिंग का हवाला देकर रात भर काम कराया जाता था। शाहजहां के गुर्गे घर घर जाकर पार्टी का सर्वे करते हैं, जहां कोई सुंदर महिला या लड़की दिख गई तो उसे जबरन पार्टी दफ्तर ले जाते थे, फिर उसे कई रातों तक वहीं रखा जाता था। वो हमें यातनाएं दे रहे हैं, वो जिन महिलाओं को टारगेट करते हैं उनके पति को पार्टी दफ्तर में पीटा जाता है, अगर हम जाने से मना करते हैं तो हमारे पति को पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें पीटते हैं ताकि हम जाएं। इन आरोपों के साए में ही विवाद गरमाया तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खुद संदेश खाली का दौरा किया।
राज्यपाल के मुताबिक उनसे महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई तो वो सन्न रह गए। वे सिस्टर्स बहनों मेरे पास आया, कंप्लेन दिया, रिटर्न कंप्लेन भी दिया, वो सारे कंप्लेन मैं गवर्नमेंट को दिया। मेरा विश्वास है एक्शन होगा, एक्शन होना ही है, गवर्नमेंट के साइड से एक्शन जरूर होना ही, नहीं तो लो कोर्ट से व्हाटएवर इज देयर विल डू दैट, आवश्यक कार्यवाही हम जरूर करेंगे। पश्चिम बंगाल संस्कृति की भूमि है तो शक्ति की भी भूमि है। संदेश खाली में उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का रौद्र रूप इसकी गवाही दे रहा है। संदेश खाली से सौरभ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।